स्टेडियम में घूमने गई साली पर जीजा ने किया हमला, सुई नुमा नुकीले हथियार से किया गया वार। झुंझुनू में एक युवती पर उसके जीजा ने नुकीले हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। युवती को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना झुंझुनू शहर में स्थित श्रवण जयंती स्टेडियम के पास की है। युवती ने शोर शराबा किया तो मौके पर उपस्थित भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवती व आरोपी जीजा को घायल अवस्था में झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाल पवन चौबे ने बताया कि बुधवार शाम को एक युवती पर जानलेवा की सूचना मिली थी। युवती शाम को स्टेडियम के पास घूमने गई थी। इसी दौरान युवती के जीजा ने उस पर सुई नुमा नुकीले हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी की घायल युवती की बड़ी बहन से शादी हुई है, दोनों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। वहीं घायल युवती की आरोपी के छोटे भाई से शादी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी घायल जीजा को हिरासत में लेकर इलाज करवाया जा रहा है। मामले में जांच की जा रही है। 11 केवी लाइन से टकराया ट्रक, खलासी जिंदा जला। स्पीड ब्रेकर आने पर गाड़ी उछली तो लाइन को छूने से लगी आग। झुंझुनू के गांव में ईंटों को खाली कर लौट रहा एक ट्रक स्पीड ब्रेकर आने से उछल गया। उसके बाद इसके कारण वह कुछ ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन को छू गया। तारों को छूते ही ट्रक में करंट दौड़ गया और आग लग गई। गाड़ी में सवार चार लोग नीचे कूद गए जबकि खलासी उतर नहीं पाया। इस दौरान जिंदा जलने से खलासी की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे बीडीके अस्पताल भर्ती करवाया गया है। हादसा झुंझुनू से 12 किलोमीटर दूर धनूरी थाना क्षेत्र के चारणवासी गांव में दोपहर 3 बजे करीब हुआ है। सूचना मिलने के बाद झुंझुनू से फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद धनूरी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक लाला राम उम्र 35 साल चूरू का रहने वाला था। बुधवार को चूरू से झुंझुनू के चारणवासी गांव में ईंट लेकर आया था। ट्रक में 4 अन्य लोग भी शामिल थे। दोपहर में ईंट खाली करने के बाद वापस चूरू के लिए निकले थे। इसी दौरान चारणवासी गांव में ही ट्रक ब्रेकर पर उछला तो कम ऊंचाई पर स्थित 11 केवी लाइन को टच कर गया जिससे ट्रक में करंट दौड़ गया। ट्रक में मौजूद 4 अन्य लोग तो नीचे कूद गए लेकिन मृतक लाला राम करंट की चपेट में आ गया। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत। झुंझुनू मंडावा रोड पर मंगलवार रात को दोराना का बास के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार सवार महिला घायल हो गई। हादसे का शिकार हुए बाइक सवार रिश्तेदारी में दसोटन में शामिल होकर लौट रहे थे। मंडावा थाने में एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक टोडी निवासी शंकरलाल कुमावत उम्र 55 साल पुत्र कुर्डा राम कुमावत व गुड्डा गोड़जी निवासी महावीर प्रसाद पुत्र मूलचंद रिश्तेदारी में वाहिदपुरा गए हुए थे। बाइक से लौट रहे थे। दुराना कबास के पास झुंझुनू की तरफ से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में शंकरलाल महावीर प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार नांगली रामगढ़ सेठान निवासी अर्चना उम्र 25 साल घायल हो गई जिसे बीडीके अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। शवों को बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। इस संबंध में शंकरलाल के बेटे हितेश कुमार ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने का मामला दर्ज करवाया है। शंकरलाल के ससुराल में दसोटन था। परिजनों के मुताबिक टोडी निवासी शंकरलाल का वाहिदपुरा में ससुराल है। ससुराल में बच्चे के जन्म पर मंगलवार को दसोटन का कार्यक्रम था। शंकरलाल व महावीर इसमें शामिल होने गए थे। दसोटन कार्यक्रम में शामिल होकर ये बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। शंकरलाल के 2 बेटे हैं नरेंद्र और हेमंत। शंकरलाल ने चौका पट्टी की दुकान कर रखी है। महावीर प्रसाद घर पर ही रहता था। उसके 2 बेटे हैं कृष्ण कुमार और मनोज कुमावत जो दुबई रहते हैं।